तो जैसे आपको पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर पोस्ट करते हैं, कहीं घूमने गए हुए हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं। और ऐसे ही एक एप्लीकेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें कि आप भी अपनी फोटो घर पे ही खिंचवा के थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करके आप भी पोस्ट कर सकते हो। लोग सोचेंगे कि यार वाओ, ये बंदा कहाँ पे खेल रहा है और कहाँ पे घूम रहा है, क्या कर रहा है, कितनी ही इसकी लग्जरियस लाइफ है। तो ऐसी एक ऐप है जो कि नाम है फोटो रूम AI फोटो एडिटर। अब AI इस पे आ चुका है, तो ये AI जो ऐसा आपको दिख रहा है कि वो वैसा कुछ वहां दिख रहा है। तो फोटो रूम AI एडिटर मैं भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ भाई कैसा काम करता है। यहाँ पे आप फोटो रूम AI पे जाइए और यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका एक प्रो वर्जन मिला जो कि आप परचेज कर सकते हैं। पर आप प्रो वर्जन परचेज नहीं करते हैं तब भी आप फ्री वाले वर्जन से भी अपना काम चला सकते हैं। सबसे पहले आपको एक डेमो दिखाता हूँ। पहले मैं एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी कोई भी, जिसमें मैं सिंगल हूँ यहाँ पे, मतलब खड़ा हूँ कहीं भी, एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी ये वाली फोटो सेलेक्ट करी, ये देखिए ये इसको स्कैन करने लग गया, आपको दिख रहा होगा। इसे मैं बैकग्राउंड यहाँ से हटा दिया। अब मैं नीचे से काफी सारी इसलिए मुझे दिखा देगा कि आपको कैसे वाले कंटेंट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे क्लासिक आ गया, सोशल मीडिया पे अगर आपको सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड पे दिखाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और तो और ये आपको कवर फोटो, इंस्टाग्राम पोस्ट फोटो सब कुछ वहां पे दिखा भी देगा, मार्केट प्लेस में दिखा देगा, फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हैं कुछ। यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखा देगा, ब्लर भी कर देगा, पीछे का आपको ब्लर करना है तो वो भी दिखा देगा। यहाँ पे आपको इसको सर्कल के अंदर करना है तो वो भी दिखा देगा, और प्राइड मोमेंट भी है, हैप्पी बर्थडे पे, जैसा भी आप चाहते हैं वहाँ पे आपको शो कर देगा। बर्थडे कार्ड्स वगैरह पे भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, फैमिली में भी है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, नेचर में दिख जाएगा, मैगजीन्स उस पर दिख जाएगा, जैसे भी आप देखना चाहते हैं मैगजीन पे अपनी फोटो वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको इजीली नजर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे बीच वगैरह पे ट्रैवल पे तो वो भी आपको आसानी दिख जाएगा। मैं आपको डेमो करके भी दिखाता हूँ, काफ़ी सारी थीम्स है, इसको ट्राई करने से पहले मैं बता भी देता हूँ। काफ़ी सारी थीम्स हैं बीच वगैरह पे, आपको इजीली यहाँ दिख जाएगा। जैसे कि बीच पे है, मैं बीच पे आपको एक सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बीच पे, जैसे कि मैं इसको चाहूँ तो थोड़ा सा मैं अपने आपको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा कर भी सकता हूँ, इधर उधर कर भी सकता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखिए बैकग्राउंड वगैरह भी आ जाएगा, रिटच वगैरह भी आ जाएगा, ब्लर वगैरह करना है तो वो भी आ जाएगा, ब्लर वगैरह भी कर सकते हैं आप, नहीं तो आपको एज इट इज भी आप इसको रख सकते हैं। नहीं तो इसको डबल टैप करिए, आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे कि ये खड़ा है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो आप वो सब भी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे अपने आपको खड़ा कर देता हूँ। इसके बाद बस मेरी फोटो तैयार है। अब इसको चाहूँ तो मैं शेयर कर सकता हूँ और क्रिएटर पे मे बी लेटर कर सकता हूँ, उसको मे बी लेटर कर दूंगा, नहीं तो मैं इसको सेव टू गैलरी भी कर सकता हूँ, सेव टू गैलरी कर दूंगा तो गैलरी में सेव हो जाएगी। और ये फोटो मैं देखता हूँ कि कैसे गैलरी में मुझे शोकेस हो रही है। तो अभी एल्बम में जाते हैं और फोटोज में, और यहाँ पे नज़र आ गया, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कुछ भी अपना डाल दूंगा, मतलब इरेज भी कर दूंगा, वो भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद आपको मेरी फोटो ऐसे नजर आएगी या जैसे कि मैं किसी बीच वगैरह पे आराम से खड़ा हूँ। तो ये थी एक फोटो रूम AI की अपडेट भी, और मतलब एक रिव्यू भी, जिसको आप यूज करके सोशल मीडिया पे कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं और लोग सोचेंगे कि वाओ, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीच पे घूम रहे हैं या इंजॉय कर रहे हैं, या फिर कहीं भी और भी कुछ भी जो थीम्स मैंने दिखाई वो भी आप यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में देखते, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज वीडियो पसंद पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।